स्केलेबल एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं जो आपको ACCB वर्सेस UNI के बीच में, यानी कि जो आपको ACCB वर्सेस यूनाइटेड के बीच में यहां पर ECS T10 रोमानिया का आज का जो आपको थर्ड मैच खिलाता दिखेगा उसके बारे में मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है। और ये सेम वीडियो को भी आप यहां पर फोर्थ T10 में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वही टीम यही दोनों टीम्स चौथा T10 भी खेलने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए दोनों मैच के लिए रह सकता है, लेकिन ज़्यादा थर्ड T10 के लिए रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जितने मैचेस अभी तक दोनों टीम्स खेली है चार चार, उन्हीं मैचेस के यहाँ पर स्टैट्स देखेंगे, ठीक है। और जब थर्ड T10 हो जाएगा तो देन यहाँ पर पांच मैचेस हो जाएंगे, इसलिए उस मैच का आपको स्टैट्स नहीं मिल पाएगा। तो मेनली ये वीडियो आपके लिए थर्ड T10 के लिए है जो आज खेला जाएगा, वैसे आप चाहे तो फोर्थ T10 के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से सभी प्लेयर्स के बारे में जानने को मिलेगा, प्लेइंग 11 जानने को मिलेगा, सीरीज का स्टैट्स जानने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रैंडी की भी मैं आपको एक कमाल की टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। पहले ACCB के बारे में बात करें, चार में से तीन मैच ये टीम जीती है और एक यहाँ पर हारी है, और UNI की टीम चार में से दो जीती है और दो हारी है, ठीक है। तो दोनों टीम्स देखेंगे तो ACCB की टीम एक मैच ज़्यादा जीती है, लेकिन गाइज दोनों टीम्स अच्छी है। ACCB का बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। उसके अलावा UNI का थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका बॉलिंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसके चलते ACCB का ज़्यादा जीतने का चांस बनता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले हम ACCB के प्लेइंग 11 एंड सीरीज के स्टैट्स देख लेते हैं। तो यहाँ से गाइज आप प्लेइंग 11 देख लीजिए, सिंपली बैटिंग ऑर्डर के साथ मैंने लिख दिया है। यहाँ पर गोहर मानन के साथ अनंदा कार्तिकेय ओपन कर सकते हैं, वन डाउन अब्दुल आसिफ आ सकते हैं, फिर टू डाउन असद अब्बास आ सकते हैं, फिर समीउल्ला है, फिर सैयदुल्ला है, फिर इसाफान डोके हैं, फिर रहीम गुल है, सुखविंदर सिंह है, मोहम्मद जकीरा है और मोहम्मद इसक है, ठीक है। ये आपको ये प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर आपको ACCB का देखने को मिल सकता है। आप स्टैट्स भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम मेन प्लेयर्स के स्टैट्स ही डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले गोहर मनन का देखिए, पहले मैच में 112 नॉट आउट, फिर एक, फिर 83, फिर 0। प्लेयर बहुत कमाल के हैं, रोमानिया नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, बहुत कमाल के बैट्समैन हैं। अभी तक देखेंगे तो एक मैच में चले हैं, एक मैच में नहीं चले हैं, लेकिन जब भी चलते हैं बहुत बड़ी पारी खेलते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। अनंदा कार्तिकेय का आप स्टैट्स देख लीजिए, कुछ खास तो नहीं है, रीसेंट वाले मैच में उन्होंने 44 रन कर दिए हैं जिसके चलते उनको लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो क्रेडिट भी उनका कम है जिसके चलते आप क्रेडिट मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। अब्दुल आसिफ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पहले मैच में बैटिंग नहीं आई लेकिन दूसरे मैच में 19 बॉल पर 75 रन इन्होंने मारा, फिर 6 रन, फिर 60 रन, और साथ में हर मैच में दो दो ओवर डाले और टोटल 8 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के स्टैट, तो समीउल्ला एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, भले ही अभी तक उतना कुछ नहीं कर पाए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले दो मैच में बैटिंग नहीं आई, फिर 8 रन, फिर 4 नॉट आउट, लेकिन बॉलिंग हर मैच में दो दो ओवर डाले हैं और दो ही विकेट अभी तक मिला है, लेकिन ये अच्छा कर सकते हैं। सैयदुल्ला का देखेंगे तो 16 और 1 नॉट आउट किए अभी तक रन तीसरे और चौथे T10 में, और साथ में पूरे 8 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट है, ठीक है। और इसाफान डोके पहले मैच में तो ओपन आए थे लेकिन अब बहुत नीचे आ रहे हैं और साथ में बॉलिंग से भी इनका कुछ ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो ये अब इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। और यहां पर देखेंगे तो सुखविंदर सिंह बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, टीम के कैप्टन, ऑफ स्पिनर, 6 ओवर तक अभी तक डाले हैं जिसमें उन्होंने 5 विकेट ली है, ठीक है। तो ये सब कुछ गाइस इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वैसे आप सभी प्लेयर्स के स्टैट्स देख ही सकते हैं। अब चलिए हम UNI टीम के बारे में बात कर लेते हैं, उनका प्लेइंग 11 एंड सीरीज का स्टैट्स देख लेते हैं। तो पहले ध्यान रखिए, इनके लिए ओपन कर रहे हैं आर सतीशन के साथ अली हुसैन, वन डाउन आ रहे शांतनु वशिष्ठ, फिर आ रहे यहाँ पर स्टैन आहूजा, राजेश कुमार है, रोहित कुमार है, मनानी धर्मेंद्र है, ठीक है, आफ्ताब कयानी है, और उसके बाद दिवाकर सुंदरा राजन है, अली जैन है और जावर अली है, ठीक है। ये प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के आप सीरीज के स्टैट्स पर अगर गौर करेंगे तो आर सतीशन जो कि यहाँ पर रोमानिया नेशनल टीम के कैप्टन है, उन्होंने पहले मैच में 88 किए लेकिन उसके बाद 7, 17, 12, यानी कि बैटिंग में पहले मैच के बाद चले नहीं है और बॉलिंग भी अपनी मर्जी से करते हैं, मात्र 5 ओवर अभी तक डाला है 4 मैचेस में, तो हर मैच में ये किसी मैच में 2 ओवर भी डाल लेते हैं और किसी मैच में 1 भी ओवर नहीं डालते, जैसे रीसेंट वाले मैच में मात्र 1 ओवर डाला, तो अब देखना होगा इस मैच में क्या करते हैं। वैसे प्लेयर अच्छे हैं, 5 ओवर में 6 विकेट इनके नाम पर है। अली हुसैन ने काफी इंप्रूव किया है, पहले दो मैच में तो 2 और 27 रन ही कर पाए थे लेकिन रीसेंट के दो मैचेस में 22 और 15 रन बैटिंग के साथ भी किए हैं और साथ में दो दो ओवर दोनों मैच में रीसेंट वाले में डाले, ठीक है, टोटल 5 ओवर डाले जिसमें 6 विकेट ली है। शांतनु वशिष्ठ 6, 38, 9 और 0 और साथ में 7 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट, यह भी इंपॉर्टेंट है। स्टैन आहूजा भी अच्छे प्लेयर है, ध्यान रखिएगा वो इस साल हंगरी
अभी T10 में खेले थे, ठीक है, तो ये हंगरी के प्लेयर हैं, ठीक है, और प्लेयर अच्छे हैं। रिसेंट वाले मैच में 39 रन इन्होंने किया, तो आप इनको ग्रैंडिंग में ट्राई कर लीजिएगा। राजेश कुमार 11-34 नॉट आउट और एक, और साथ में 6 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट, ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप इनका भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बॉलिंग में अली जैन मुझे अच्छे बॉलर लगते हैं, ठीक है, 6 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 3 विकेटें हैं, लेकिन बॉलर मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? लेग स्पिनर है तो विकेटें किसी भी मैच में ले सकते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। तो ये सब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के स्टैट्स हैं, वैसे आप सभी प्लेयर्स के स्टैट्स यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब चलिए गाइस, स्टैट्स मैंने आपको बता दिया सीरीज का, अब यहाँ पर प्लेयर की इंफॉर्मेशन की बारी आती है सभी प्लेयर्स की, जो कि हम टीम बनाते हुए यहाँ पर डिस्कस एकदम अच्छे से कर लेंगे। पहले विकेट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सैयद असद अब्बास, आर गुल, आर कुमार, ठीक है, ये 3 प्लेयर्स खेलेंगे। पहले आर गुल को आप इग्नोर कर दीजिए, जिनका किसी मैच में ये बॉलिंग करते हैं, किसी मैच में नहीं करते, ठीक है, और बैटिंग का तो अता पता ही नहीं है। बचते हैं ऑप्शन एस असद अब्बास और आर कुमार। एस असद अब्बास गाइस 2 डाउन आ रहे हैं, यानी कि 4th नंबर पर आ रहे हैं, और साथ में विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। और वहीं पर जो आर कुमार है वो 3 डाउन आ रहे हैं, ठीक है, 3 डाउन या फिर 4 डाउन आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे। स्टार्टिंग के मैचेस में आर कुमार ओपन आ रहे थे और साथ में विकेट कीपिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब स्टैन आहूजा खेल रहे हैं, जिसके चलते आर कुमार थोड़े नीचे आ रहे, तो अब देखना होगा कि आर कुमार ऊपर आते हैं या नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं आर कुमार के साथ ही हूँ। क्यों हूँ गाइज? क्योंकि क्रेडिट मेंटेन मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा अब्बास को पिक करूंगा देन मुझे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर ड्रॉप करने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ, जिसके चलते मैं आर कुमार को ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पाते हैं तो एस असद अब्बास आपके लिए बहुत कमाल की पिक है, और ग्रैंडिंग में आपको मस्ट ट्राई करना है, ठीक है, और स्मॉल लीग में भी बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक बनेंगे, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। बैटिंग सेक्शन पर आते हैं, जहां पर आर सतीशन, गोहर मनन, दोनों को ले लेना है, दोनों टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, दोनों टीम के लिए ओपन करेंगे, ठीक है, और आर सतीशन टाइम आने पर बॉलिंग भी कर लेंगे, तो दोनों को आपको ले लेना है, दोनों रोमानिया नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ए हुसैन को नेक्स्ट में लूंगा, ये भी ओपन करेंगे और साथ में 2 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट में यहां पर क्रेडिट मेंटेन करने के लिए एस अनंदा को लूंगा, जिन्होंने रिसेंट मैचेस में 47 रन की पारी भी खेली है और ओपन भी कर रहे हैं, तो अच्छे क्रेडिट मेंटेनर पिक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको लिया है। अगर आपके पास क्रेडिट रहती है तो बहुत कमाल की पिक है आपके पास समी उल्ला और स्टैन आहूजा। स्टैन आहूजा से ज्यादा मैं आपको समी उल्ला ट्राई करने को कहूंगा, क्योंकि समी उल्ला हर मैच में लगभग पक्का 2 ओवर ये डालेंगे, और साथ में बैटिंग से भी अगर मौका मिलता है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो समी उल्ला भी आपके लिए कमाल के डिफरेंशियल पिक है इस मैच में, या आपका पक्का गेम चेंजर बन सकता है इस मैच में, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। और स्टैन आहूजा को भी ग्राइंडिंग में ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में तो आप ट्राई नहीं कर पाएंगे क्रेडिट के प्रॉब्लम के चलते, तो ग्राइंडिंग में ही आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, तो इन दोनों का प्लेयर का ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्लेयर भी आपके लिए कमाल की ग्राइंडिंग की पिक है, और समी उल्ला को तो आप स्मॉल लीग में भी एज अ डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर, जहां पर शांतनु वशिष्ठ, आर कुमार जूनियर और एस उल्ला, ठीक है, तीनों प्लेयर्स को मैं ट्राई कर रहा हूं, तीनों बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है, तीनों मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और साथ में 2-2 ओवर बॉलिंग करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को मैं यहां पर ले रहा हूं। आई ढोके पहले ओपन आ रहे थे लेकिन अब नीचे आ रहे, तो मैं ट्राई करने को आपको नहीं कहूंगा, और क्रेडिट भी हाई है जिसके चलते हम और भी ट्राई नहीं कर पाएंगे। एम जकीरा एक एक ओवर डाल ले तो उतना मैं ट्राई इनको भी करने को नहीं कहूंगा। दी सुंदराजन पहले मैच के बाद ओवर करने आए नहीं है तो इनको भी ट्राई मत करिए। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर, जहां पर तीन ही अच्छी ऑप्शन है। पहले आपके लिए एसी बेबिंजन नंबर 1 चॉइस है, जो कि 1 डाउन बैटिंग और साथ में 2 ओवर बॉलिंग डालेंगे। फिर एस सिंह आते हैं, ये भी 2 ओवर बॉलिंग डालने और बहुत ज्यादा विकेट ले रहे हैं। और नेक्स्ट यहां पर आते हैं एस अली जैन, ये भी लेग स्पिनर है तो ये भी अच्छा कर सकते हैं। तो यही तीनों अच्छे बॉलिंग सेक्शन में ऑप्शन ही है, इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। वैसे ए अहमद कयान है, जिनको आप पिक कर सकते हैं अगर आपको क्रेडिट मेंटेन करना हो तो, जो कि लगभग 1-2 ओवर डाल ही रहे हैं, लेकिन विकेट भले इनको नहीं मिल रहा है लेकिन 1-2 ओवर डाल लेंगे, 1-2 ओवर डाल लेंगे, ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा आपको क्रेडिट मेंटेन करना हो तो आप एस अली जैन की जगह पर इनको ले सकते हैं, ठीक है, और ऑलराउंडर में जाकर एस उल्ला की जगह पर यहाँ पर समी उल्ला को ले सकते हैं, बिकॉज समी उल्ला इज अ बेटर ऑलराउंडर देन सैयद उल्ला, ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। सैयद उल्ला ने भले इस टूर्नामेंट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन समी उल्ला उनसे ज़्यादा बेटर ऑलराउंडर, ठीक है, तो आप इनका ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैं गाइज ये कर भी सकता हूं लेकिन अभी के लिए मैं सेफ गया हूं, जिसके चलते मैंने सैयद उल्ला और यहां पर एस अली जैन को पिक किया है। तो ये गाइज बनता है टीम का प्रीव्यू, इसमें कैप्टेंसी मेरी जा रही है ए आसिफ वेविंजे को और वाइस कैप्टेंसी ए हुसैन को। आपके पास ऑप्शन में स्मॉल लीग के लिए मैं बता रहा हूं, ये स्मॉल लीग का ही है टीम गाइज, तो ध्यान रखिए। इसमें स्मॉल लीग में आप आर सतीशन को भी कर सकते हैं और साथ में गोहर मनन को भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो दो प्लेयर्स को मैंने किया है उन दोनों को भी आप कर सकते हैं। तो ये चार
अलावा आपके लिए स्मॉल डी के लिए सीवीसी के ऑप्शन है, आप इन चारों को कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रैंड लीग में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यहाँ पर जो यहाँ पर एस वशिष्ठ है, आर कुमार जूनियर है, एस उल्ला है, और एक और जो बैटिंग सेक्शन में अगर आप एस उल्ला को ट्राई कर रहे हैं देन वो भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए कुछ ग्रैंड लीग के सीवीसी के ऑप्शन है, ठीक है। और ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग की टिप्स आपके लिए यही है कि आप इन तीनों ऑलराउंडर्स को टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें, ठीक है। उसके अलावा एस उल्ला को भी ट्राई करें बैटिंग सेक्शन वाले। और आपको चेंजेस क्या करना है ग्रैंड लीग में, पहला चेंज आप कैसे कर सकते हैं चेंजेस ग्रैंड लीग में, कुछ टीम्स में गाइस आप यहां पर आर सतीशन को किसी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, किसी टीम में गोहर मनन को ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, किसी टीम में आप मान लीजिए यहां पर आर सतीशन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आप क्या यहां पर देख लीजिए, आपके पास विकेट कीपिंग में देन आर कुमार की जगह पर आप सिंपली एस असद अब्बास ले सकते हैं, और फिर यहां पर आकर आप समी उल्ला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ठीक टीम बन जाता है, ये ऐसे एसीसीबी के टीम फेवर में ये आपके लिए अच्छी टीम बन जाती है, ठीक है। इस टीम में आप चाहे तो एस अनंदा को भी ड्रॉप करके बॉलिंग सेक्शन में से यहाँ पर इनको ले सकते हैं, अहमद कायान को, ठीक है। ये भी ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा बन जाता है ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार की कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के लिए बना सकते हैं, ठीक है। किसी टीम में ऐसे ही गोहर मनन को आप ड्रॉप कर सकते हैं और उनकी जगह पर आप यहाँ पर इन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए कुछ ग्रैंड लीग के टिप्स है गाइस, जिनको आपको सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना है, ठीक है। स्मॉल लीग में आप ज़्यादा रिस्क ना लें, और मेरे हिसाब से आप स्मॉल लीग में ज़्यादा खेले भी ना, ज़्यादा फोकस ग्रैंड लीग पर ही करिएगा। तो आशा करूंगा गाइज वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। और गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो पहला लिंक ही मिलेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर का मिलेगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फाइनल टीम अपडेट आपको यहीं पर मिलती है, और आपको यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लेना है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोई नया प्लेयर खेलता है उसका स्टैट्स भी मैं आपको शेयर करता हूँ, साथ में प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर भी आपको यहाँ पर जानने को मिलता है, सारा कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलता है। तो आपके लिए ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग गाइज ग्रैंड लीग भी यहाँ पर जीतते हैं, ठीक है। एक दो दिन पहले ही हमारे मेंबर ने ग्रैंड लीग जीता है, तो आप भी गाइज अच्छा कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी देता रहता हूँ और साथ में मैं आपको फाइनल टिप्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दो कमाल की फैंटेसी ऐप का लिंक मिल जाएगा। पहला यूनिक फैंटेसी ऐप है जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस, जिसमें आप एकदम फ्री में खेल सकते हैं, और आज भी आपके पास 15 का 1000 करने का मौका है। आज आप गाइज यहां पर जो इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन वाला मैच है उसमें आप 15 का 1000 जीत सकते हैं एकदम फ्री में। गाइज पहली बार आप रजिस्टर कर रहे हैं अगर क्रिकेट प्लस प्लस पर, तो हमारा रेफर कोड SK11 एक्सपर्ट यूज कर लें ताकि आपको 25 का साइनअप बोनस मिल जाए। देन आप क्या कर सकते हैं, 15 वाले कॉन्टेस्ट में एकदम 100% बोनस यूज करके खेल सकते हैं। वैसे आपको हर मैच में इस एप्लीकेशन में 100% बोनस वाली कॉन्टेस्ट मिल जाती है, ठीक है, लेकिन आप 15 आप 25 वाले लीग में एकदम फ्री में खेल सकते हैं, क्योंकि आपको रजिस्टर का बोनस 25 मिलता है, तो आप 25 बोनस एकदम यूज करके फ्री में इस एप्लीकेशन में खेल सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी एकदम अलग है, इसमें आपको हॉट एंड नॉट प्लेयर सेलेक्ट करने को खेलने को रहता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। उसके अलावा गाइस आपको गॉप्सकी ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। उसमें भी कमाल का लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट चल रहा है रोमानिया T10 के लिए, जिसमें आप बहुत अच्छी विनिंग कर सकते हैं। साथ में उस एप्लीकेशन में भी अगर आप पहली बार साइनअप करेंगे देन मेरा रेफर कोड SK11 एक्सपर्ट यूज कर लीजिएगा ताकि आपको 500 का साइनअप बोनस मिल जाए गॉप्सकी ऐप पर, और उस एप्लीकेशन में भी आपको हर दिन एक ना एक मैच में 100% बोनस वाली लिंक मिल ही जाती है। साथ में आप 20% बोनस स्मॉल लीग में भी गॉप्सकी ऐप में यूज कर सकते हैं, और साथ में गाइस वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है स्मॉल लीग में, तो आप जरूर गॉप्सकी ऐप पर भी खेलिएगा। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।